फील होगा नीतीश कुमार की। क्यों? वो अच्छा काम करेगा और क्यों? हम तो किसी नेता पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में कोई वादा करके मुकर जाते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं देश के लिए। क्या चाहते हैं सर किसी सरकार? क्या चाहते सर? कार्ड नहीं बना है मेरा, राशन कार्ड आज दिए वहाँ अजीत शर्मा को, उसको दिए फार्म कहीं नहीं बना। शराब बंद सिर्फ ऊपरी तरीके से है, अंदर से क्या हो रहा है? एक फोन कॉल पे घर पे शराब पहुँचा, तो अभी तो कम है। आपके मन में क्या है, एक नाम जो बेहतर आपको लग रहा हो? वही बीजेपी। भागलपुर तो इसकी मौका देना चाहिए इसको, क्या नाम है अपने, क्या नाम है, राजेश वर्मा जी को देना चाहिए, यंग लड़का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आज एक बार फिर हम भागलपुर की जनता के बीच है, उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहती है, वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। आज हम भागलपुर के वैरायटी चौक पर मौजूद है और यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे कि वो क्या चाहती है। सर आपका नाम? दीपक कुमार। सर क्या चाहते हैं आप कि किसकी सरकार बने? बीजेपी और जदयू की। बीजेपी और जदयू? सर क्यों? विकास उन्होंने किया है, अच्छे काम। क्या विकास किया है उन्होंने इन 15 सालों? विकास किया है जी। और के बनिस्पत वो अच्छे काम किया है जी। सर आप क्या काम, जो काम जदयू ने 15 साल बिहार पे राज किया है रह के, तो क्या काम किया है? लोगों का कहना है और भी लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, लोग निराश है, हताश है इस बार, तो इस बारे में क्या कहना है आपको? आप कह रहे हैं काम किया है। और सरकार से अच्छे काम किए हैं वो। सर आपका नाम? हमारा राजेश कुमार हुआ। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? हम तो किसी नेता पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में कोई वादा करके मुकर जाते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं देश के लिए जी। तो किस पे क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने भागलपुर में? सर भागलपुर में भागलपुर में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव के बिगैर एक ही को देते जाइए। मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट करने? मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आप जाके मायागंज हॉस्पिटल में देखिए, सदन में देखिए। वोट करने का मुद्दा क्या रहेगा? वोट तो मेरा करने का मतलब ये है कि अगर अच्छी जो कैंडिडेट अच्छे रहे उनको वोट करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ कैंडिडेट जो आते हैं हवा हवाई में चले जाते हैं, क्योंकि वो जमीन पर नहीं रहते हैं। हम लोग जमीन पर हैं, जाए देखिए नाला बना कल टूट गया, सफाई का कोई यही नहीं है, अमंडर है, कहीं कुछ नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम गोपाल प्रसाद साह। क्या चाहते हैं इस बार किसी सरकार? क्या चाहते सर? कार्ड नहीं बना है मेरा, राशन कार्ड आज दिए वहाँ अजीत शर्मा को, उसको दिए फार्म कहीं नहीं बना जी। सर इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी? जिसको जो जिसका होगा, जो काम बढ़िया करेगा वो बनेगी जी। सर शराबबंदी को लेकर क्या कहना है, वो सही था वो फैसला या फिर गलत? शराबबंदी में होम डिलीवरी हो रही है, ये शराबबंदी जितना बंद करने, पहले दुकान से सेल नहीं होता था उतना, तो ऐसे सेल हो रहा है, फोन करता तुरंत आ जाता है दारू जी। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार चौधरी। क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? नीतीश का ही चाहते हैं। नीतीश का ही चाहते हैं बीजेपी का। क्यों? वो शराब फराब इस सबका बंद है, जैसा शांति है। लोगों ने कहा कि शराब बंद सिर्फ ऊपरी तरीके से है, अंदर से क्या हो रहा है? एक फोन कॉल पे घर पे शराब पहुँचा, तो अभी तो कम है, 90% कम है, ये तो हल्ला गुल्ला तो कम है इसमें। सर वोट करने का एक मुद्दा क्या रहेगा? वोट लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा? जैसा देश के लिए जो बीजेपी कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं और आगे भी करेगा, यही उम्मीद रखते हैं। सर आपका नाम? जी मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी। क्या चाहते हैं किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। भागलपुर में क्या चाहते हैं? भागलपुर में? भागलपुर में कमल छाप जीतेगा। सर आपका नाम? मोहम्मद सुभान। सर क्या चाहते हैं किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की। आरजेडी? सर क्यों? क्योंकि इसलिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया खाली। तो सर क्या ये तेजस्वी यादव जो आएंगे यहाँ, तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या आपको लगता है वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेंगे या फिर विकास करेंगे? 15 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया, खाली बुड़बक बना रहा जनता को। मेरा नाम किशोर कुमार। क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? क्या बोले? क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? सरकार तो देखिए जो काम करे, ठीक ना, जो अच्छी तरह काम करे, और स्टूडेंट जो अभी जो है सब रोड पे चल रहा है, 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है, ठीक ना, वैसा सरकार बने जो बच्चे लोग को, जो किसी का बच्चे हो, अभी 10 साल से 15 साल किसी का बच्चे हो रहा है, उसको नौकरी चाहिए, कोई भी हो इंसान, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको नौकरी चाहिए, ठीक ना। तो हमको इसी तरह की आपको अच्छा सरकार चुनना है, जो नौकरी दे, जो कुछ भी दे, ऐसा मतलब सरकार को चुनना है, जो भी हो जाए उसमें, चाहे भाजपा का हो चाहे मोदी को हो, वही बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव चाहते हैं हम चाहते हैं कि पूरा बदलाव चाहिए। अब भागलपुर के रहने वाले, हम भी भागलपुर के रहने वाले, तो इसके विकास के बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। तो इसके चाहते हैं कि अभी कांग्रेस का सरकार चेंज होना चाहिए,
जो सरकार चेंज हुए काम करे, जो नौकरी दे आदमी को, जो नौकरी से हम बेरोजगार है, जो अभी यहाँ बैठे हैं ऐसा काम कर रहे हैं, हम क्या बोलें, ऐसा कि 5 साल से 10 साल से हम प्रयास करें जो मुझे कुछ सफलता नहीं मिला, जो वैसा सरकार चाहिए जो मेरा एज भी नहीं पार करे और मुझे नौकरी अभी भी मिल सकता है, ऐसा सरकार चाहिए जो उसी को जिताए हम, जो काम करे। नाम आपका? मनीष कुमार। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? कांग्रेस। क्यों? मोदी क्या किया, कुछ किया है? खाएंगे पिएगा, खरीद के खाए, आओ आओ सब। क्या आइए और भी लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? पूनम पांडे। मैम क्या चाहती है, इस बार किसकी सरकार बने? ये अभी हम क्या बोले, आपके मन में क्या है, एक नाम जो बेहतर आपको लग रहा हो? वही बीजेपी। आपको लगता है उन्होंने अजीत शर्मा, जैसे आप कह रहे हैं कि जो है वो बना रहे, यानी यहाँ के विधायक अजीत शर्मा है तो अजीत शर्मा ही रहने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अजीत। तो क्या उन्होंने काम किया है इन दो टर्म के? बिल्कुल बढ़िया काम किया है, सबको गरीब को देखे हैं और अच्छी मदद की है, सब जगह पानी वगैरह सब चीज की पूरी सुविधा की है, फुटपाथ वालों को भी देखे, किसी तरह का कोई तरह का परेशानी नहीं होने दिए हैं। बस इससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए, हम तो भाई गरीब आदमी है तो अपना करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, चलते हैं, चलता रहे। लेकिन बढ़िया, कोई भी आया अगर पार्टी आए तो ऐसा आए कि सबको मिल मिल करके चलाएं। आप ही लोग नीतीश कुमार की? क्यों? वो अच्छा काम करेगा और क्यों? आपका नाम? विजय चौधरी। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? हाँ? किसकी सरकार बने? आप जिसको जो जो भाग में होगा उसी के लिए जीते, हम लोग कौन सी करेंगे। तो आपके मन में क्या है, आप किसे चाहते हैं? वो जो कमल झा। इस बार किसकी सरकार बने? सरकार तो मुझे लगती है मोदी की बनेगी। क्यों चाहते हैं मोदी जी की सरकार? क्यों चाहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और किया बिहार के लिए, क्या किया है आप इसके बारे में? बिहार की बात कर रहे हैं हम, जिस बार खुद तारीफ करने, पूरा बजट दिए हैं रेलवे के, सड़क के लिए किए हैं, पूरा विकास, जो पुल जो है विक्रम शिला पुल मात्र उन्हीं की देन है। भागलपुर में तो इसकी मौका देना चाहिए इसको, क्या नाम है अपने, क्या नाम है, राजेश वर्मा जी को देना चाहिए, यंग लड़का है हम लोग सर जी। तो क्या लगता है वो विकास कर पाएंगे भागलपुर? एकदम, कौन करे, मौका देना चाहिए, फिर समय बताएगी। सर आपका नाम? गोविंद कुमार शर्मा। किसी सरकार? राजेश शर्मा वर्मा। मेरा नाम नीतीश कुमार है जी। सर क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? देखिए सरकार तो बहुत आई बहुत गई, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, जिस ढंग से भागलपुर को विकास चाहिए उस टाइप से विकास हो नहीं पा रहा है। ऐसा कि हम लोग का पुराना मुद्दा बहुत सारा है, अगर भागलपुर का एयरपोर्ट है, प्लस दक्षिणी क्षेत्र के लिए देखा जाए तो भोलानाथ का पुल है वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन नेता बहुत काम नहीं कर पा रहे ढंग से। देखिए अभी तो मैं पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार फिर भी ठीक है, जैसे कि पहले की RJD की सरकार थी उसके बनस्पत ये नीतीश की सरकार थोड़ी अच्छी है। आपका नाम? मोहम्मद शफीक आलम। आप इस बार वोट कर देंगे? जी हाँ वोट देंगे बिल्कुल जी। किसकी क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरकार मैं चाहता हूँ मैम जो है नीतीश जी आए। क्यों सर? वो काम बढ़िया करते सर। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार टंडन है। सर क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार आए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अली रजा। चाहते इस बार किसकी सरकार आए? राजद RJD। सर क्यों? विकास तो कोई कर नहीं रहा है ऐसे भी, तो वही कम से कम करने की कोशिश तो करेंगे। जब CM थे लालू जी तब उनके राज्य को जंगल राज कहा जाता था, तो उसके बारे में क्या कहना है कि अगर फिर से राजद आता है तो क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चल के उस जंगल का राज को फिर वापस लाएंगे या फिर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, विकास करने की कोशिश करेंगे? बिहार का तो ऐसे भी कुछ होता तो है नहीं, तो जंगल राज तो वैसे भी था और अभी भी है। शराबबंदी का क्या कहना है, शराबबंदी का? वो तो बेस्ट है। सर आपका नाम? मोहम्मद सैफ अली खान। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? राजद की। राजद की क्यों? अच्छी सरकार है, यंग है, तेजस्वी यादव। तो ये थी भागलपुर की जनता जिनको हमने आपको दिखाया, और इन सभी के मन में अलग अलग विचार है, अलग अलग लोगों को ये चाहते हैं, अलग अलग पार्टियों को चाहते हैं कि वो उनकी सरकार बने। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विजेता घोष, सिल्क TV।